हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पार्ट टू ऑफ दिस बुक को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग तीन चैप्टर दैट इज 13, 14 एंड 15 को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 16 यानी कि द ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे। पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात करी थी। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की जो थीम है या जो उन सब का एक पैटर्न रहेगा वो वैसा ही रहेगा कि हमें पहले ये देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ बारिश कितनी होती है, और उसके बाद फिर हमें उन एरियाज़ की या वो जो भी जगह है वहाँ पर कैसा वेजिटेशन है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यही काम हमने पिछले चैप्टर में किया था इक्वेटोरियल रीजन में लेकर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन में और उसमें भी हम दो तरह के क्लाइमेट की बात करेंगे। एक रहेगा ट्रॉपिकल मानसून और दूसरा रहेगा ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो है वो तो मतलब समझने के लिए या मैं कहूँगा कि कोरिलेट करने के लिए बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का क्लाइमेट है। जो इंडिया का क्लाइमेट है दैट इज़ योर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट और इसको हम लोग अपनी क्लास 11th की NCERT इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसमें मानसून को लेकर जो डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने किया है। पूरा मैप हमने बना के देखा है सब कुछ, तो उतना ज़्यादा डिटेल में हम उसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस चैप्टर को करने के बाद आपके वहाँ पर जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज़ भी होंगे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज भी होंगे। तो बिना देर किए हम लोग जल्दी से इस चैप्टर पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को, हमारे प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, एनरोल हो जाएँ उसमें, और हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, तो इसके लिए भी आप लोग बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके खुद को इस कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 16 इसको पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स। अब सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि थीम कैसे रहने वाली है इन चैप्टर्स की, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पर पाया जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें क्या लिखा है कि वी हैव लर्नड इन चैप्टर 13 दैट सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस सीजनल विंड्स लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेस बट ऑन अ मच लार्जर स्केल। यानी कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, वर्ल्ड के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर सीजनल विंड्स जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर, है ना। और वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी, बट आई थिंक दैट वाज नॉट चैप्टर 13, वो था चैप्टर नंबर 14, जहाँ पर हमने बात करी थी अबाउट दी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और मानसून के बारे में। वो चैप्टर 14 था, है ना। 13 में हमने ये बात नहीं की थी। हमने वहाँ पर आपको बताया था कि लैंड ब्रीज कैसे होती है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी की वजह से होती है ना। दिन में आपकी जो है सी ब्रीज चलती है, रात को लैंड ब्रीज चलती है। उसके बाद फिर वही जो कंसेप्ट है वो मानसून में भी यूज़ होता है, एप्लीकेबल होता है। तो वही मतलब है कि लार्जर स्केल का मतलब वही चीज़ है कि दीज आर द ट्रॉपिकल मानसून लैंड्स विद ऑन शोर वेट मानसून्स इन द समर। यानी कि गर्मियों के समय में शोर से यानी कि समुद्र की तरफ से जो है वेट मानसून विंड्स आती है, और ऑफ शोर ड्राई मानसून इन द विंटर। और विंटर के समय में जो है वो ऑफ शोर यानी कि शोर से दूर यानी कि तट से दूर से जो है वो हवाएं आती है, दैट इज़ योर ड्राई मानसून। और ये कब होता है? विंटर में।
और इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो बेस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बेस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप कहिए कि ये जो सारी की सारी एरियाज है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम का कुछ पार्ट, साउथ चाइना सी, ये सारे के सारे तो आपके क्या है, दे आर योर बेसिकली साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, है ना। इसके अलावा सिर्फ एक जगह जो यहाँ से थोड़ा सा अलग है, दैट इज योर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसको सारे का सारा। देखिए ये तो पूरा का पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, है ना। और इसके बाद एक जगह पर ये वाला जो है, दिस इज योर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे का सारा क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब इस जोन के बाहर, यानी कि जितने भी ये दिए हुए हैं, इस जोन के बाहर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट जो है वो मॉडिफाई होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनशोर ट्रेड विंड्स, है ना। ट्रेड विंड्स के बारे में भी हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती है। तो इस जोन के बाहर जो ऑनशोर ट्रेड विंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस रहता है पूरे साल, और वहां पर जो बारिश है वो मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अभी आगे जाके देखेंगे हम लोग किस महीने में कहाँ पर बारिश होती है, लेकिन आपको एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है कि अगर हम इंडिया की बात करें, और इंडिया को लेकर भी अगर हम बात करें कि मानसून सीजन की या मानसून क्लाइमेट की, तो हमें पता है कि जो मानसून का समय होता है, जिसको हम कहते हैं कि बरसात का समय है, लगभग जून से लेकर आप कहें सितंबर के आसपास तक, तब तक जो है इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। यानी कि जो पूरा का पूरा एनुअल रेनफॉल है उसका काफ़ी परसेंटेज ऑफ रेनफॉल जो है वो इन 3-4 महीनों में ही कंसंट्रेटेड रहता है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि साल भर लगभग लगभग थोड़ा बहुत बारिश जो है वो होती रहेगी। तो इस तरीके क्लाइमेट को जो है हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और ये आपका सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा, वेस्ट इंडीज़ का जो रीजन है यानी कि कैरेबियन का रीजन, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर एंड द गिनी कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राज़ील। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नीचे मैप में दिया है। देखिए ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज़ या कैरेबियन हो गया, इसके बाद ये आपका जो आ जाएगा दैट विल बी ईस्टर्न ब्राज़ील, ईस्टर्न ब्राज़ील हो गया, ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो गया, और यहाँ पर आपका जो है दैट इज थोड़ा बहुत फिलीपींस वाला रीजन, और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, है ना। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपकी बिल्कुल क्लियर है, इसको भी आप सेंट्रल अमेरिका का पार्ट जो है यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। आई होप चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, और आपको मैंने मैप में दिखा भी दिया कि कौन सा कहाँ पर पाया जा रहा है। मतलब आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो साउथ ईस्ट एशिया है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर तो आपका ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, उसके अलावा जो भी यहाँ पर शेडेड पोर्शन दिखाए गए हैं दे ऑल हैव द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। आई होप ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल मानसून में, या जो ट्रॉपिकल मानसून जहाँ पर भी होता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। देखिए द बेसिक कॉज ऑफ मानसून क्लाइमेट इज द डिफरेंस इन द हीटिंग रेट ऑफ हीटिंग ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड द सी। ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो लैंड है और जो सी है या जो पानी है वो अलग अलग गर्म होता है, अलग अलग मतलब कि एक समान गर्म नहीं होता। अगर सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उसमें से हीट होती है, तो लैंड जो है वो क्या होगी, दैट विल हीटेड अप क्विकली, ये मैंने आपको पहले बताया है, क्विकली गर्म भी होगी, क्विकली ठंडी भी होगी। और जो समुद्र है वो थोड़ा सा लेट, वो गर्म भी लेट होगा और ठंडा भी लेट होगा। तो इसी की वजह से क्या है, देखिए क्या लिखा है, समर के समय पे यानी कि गर्मियों के समय में जब सन आपका ओवरहेड होता है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड होता है, तो ग्रेट लैंड मासेज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर हीटेड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो बड़े बड़े लैंड मासेज हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अब जो सेंट्रल एशिया का एरिया है जो कि बैक्ड बाय द लॉफ्टी हिमालयन रेंजेस, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है
कि लगभग इंडिया का यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े क्या है, वी हैव बिग माउंटेन रेंजेस हियर, है ना, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन रेंज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मतलब क्योंकि माउंटेन रेंजेस का फ़ायदा क्या है, ये आपको पता होगा कि हिमालयन रेंजेस जो है इंडिया में उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फ़ायदा क्या है, कि हिमालयन रेंजेस के होने से इंडिया में क्या असर पड़ता है ना। ये चीज़ें जो है एनसीईआरटी में डिस्कस करी है, आप लोग मुझे यहाँ पर बताइएगा। तो इसने क्या लिखा है कि इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 15 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया थी ये बातें, और ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या बनेगा, देयर विल बी लो प्रेशर, है ना। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर का जो रीज़न है, रीज़न ऑफ इंटेंस लो प्रेशर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। और इसी के कंपैरिजन में, ये तो हम बात कर रहे हैं कहाँ की, लैंड की, ठीक है, ध्यान रखिएगा लैंड मासेस की बात हो रही है। अब इसके कंपैरिजन में जो समुद्र है, विच वार्म्स अप मच स्लोअर रिमेन कंपेरेटिवली कूल, है ना, क्योंकि समुद्र जो है, जो सी है, वो थोड़ा देर में गर्म होगा, और देर में गर्म होगा तो वो कंपेरेटिवली कैसा रहेगा, लैंड के कंपेरिजन में ठंडा रहेगा। आई होप ये चीज समझ गए आप। अब इसी समय पर एट द सेम टाइम जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर क्या होगा, विंटर, है ना, क्योंकि सन कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा और समर हेमिस्फेयर में, सॉरी, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंटर हो रहा है, अब विंटर का मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं टेम्परेचर्स कम, और टेम्परेचर कम मतलब कि हाई प्रेशर एक रीजन बन रहा होगा, हाई प्रेशर का कहाँ पर बनेगा, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वहाँ पर एक हाई प्रेशर का रीजन बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, विंटर, और विंटर में क्या होगा कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर का रीजन। अब इससे क्या होगा कि विंड जो है वो बाहर की तरफ को ब्लो करेगी, बाहर की तरफ को मतलब टूवर्ड्स द ओशियन ब्लो करेगी, है ना, जो इंडियन ओशन है उसकी तरफ को ब्लो करेगी एज द साउथ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून की तरह वो क्या करेगी, वो ब्लो करेगी। यहाँ पर आप देखिए अगले पेज में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें यही चीज़ समझाई जाएगी कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाई प्रेशर का जोन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि विंटर है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसकी वजह से, है ना। अब कंपेरेटिवली क्या होगा कि कंपेरेटिवली जो सी है, या फिर मैं इसको सी लिखने की बजाय अगर मैं इसको इंडियन ओशन ही लिख दूं, क्योंकि इंडियन ओशन होगा यहाँ पर, अब ये तो पानी है, दिस इज़ वाटर, है ना, इसको मैं अगर कलर भी कर दूं आप लोगों के लिए, तो ये तो पानी है, दिस इज़ वाटर, और इसके इधर पर क्या है, दिस इज़ लैंड, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तो ये लैंड है। अब लैंड कैसी होगी, ज़्यादा ठंडी है ना, और पानी कैसा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, तो यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एक सिस्टम बनेगा, और इस तरीके से जो है बाहर की तरफ को विंड्स ब्लो करेंगी, और ये जो बाहर की तरफ को विंड ब्लो करती हैं, इनका डायरेक्शन आप देख लीजिए क्या है, इनका जो डायरेक्शन है दैट इज योर साउथ ईस्ट, है ना, ये साउथ ईस्ट है, एक तरीके से याद कीजिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की तरह, है ना, ये साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ऑस्ट्रेलिया से जो विंड बाहर की तरफ को ब्लो करेंगी एज द साउथ ईस्ट मानसून, और वो कहाँ जाएंगी, जावा की तरफ, और जब वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल लो प्रेशर एरिया रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज द साउथ वेस्ट मानसून, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है। अब मतलब इसको समझिए, यहाँ तक आई होप आप समझ पाए। अब जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, हवाएं जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, इनके ऊपर कौन सा फोर्स लगना शुरू होगा, मतलब फोर्स तो नीचे भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो इनके ऊपर कॉरियोलिस फोर्स जो है वो काम करेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को राइट वर्ड डिफ्लेक्शन देता है, तो जैसे ही विंड यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएगी, इसमें हो जाएगा सब में राइट की तरफ को डिफ्लेक्शन, है ना, राइट की तरफ को डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही राइट की तरफ को डिफ्लेक्शन होगा तो ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज योर इंडिया, तो इंडिया पे जाके वो टकराएंगी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, एंड दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट योर साउथ
वेस्ट, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि विंड्स के डायरेक्शन जो है हम लेते हैं कि विंड्स कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है। तो अगर फिर से अगर आपको जो है डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ऐसे अगर कोई विंड जा रही है तो वो क्या होगी, दैट विल बी साउथ ईस्ट, और ऐसे अगर कोई विंड जा रही है तो दैट विल बी योर साउथ वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में से जा रही है, तो इंडिया में जो मानसून आएगा वो अब साउथ वेस्ट मानसून होगा। ये बात आप समझ गए। अब साउथ वेस्ट मानसून का कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है वो कैसा है, वो कंपैरेटिवली ठंडा है ना। ये आपका बेसिकली अरेबियन सी वाला रीजन है, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ पर लिख दूँ, दिस इज़ योर बे ऑफ बंगाल रीजन, दिस इज़ योर अरेबियन सी रीजन, है ना। तो अरेबियन सी रीजन और बे ऑफ बंगाल में तो पानी है, वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द लैंड ठंडा होगा, है ना, ठंडा होगा। और इंडिया के अंदर जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो वहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। तो इसलिए विंड्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो इसलिए वो साउथ वेस्ट मानसून के रूप में दो ब्रांचेस बेसिकली बन के जाती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो लेकिन जितना यहाँ पर दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के रिविजन के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब इससे होगा क्या कि विंड जा रही है, पानी के ऊपर से विंड बह रही है, तो ये यहाँ से क्या करेंगी, मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी, और मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये इंडिया में जाएंगी, और इंडिया में आपको पता है कि हेयर वी हैव योर वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में जैसे ही ये टकराएंगी तो वहाँ पर क्या होने लग जाएगी, बारिश, है ना। बीच बीच में कुछ कुछ गैप्स हैं, उन गैप से अंदर जाएगी तो थोड़ा बहुत अंदर बारिश होगी, फिर इधर की तरफ से बारिश होगी, यहाँ से फिर जो आपकी ईस्टर्न ये ब्रांच है, जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो भी आएगी, तो वो कुछ इस दिशा में बारिश करेगी। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है हम लोग पूरे एक बड़े मैप के हेल्प से जो है वो देख चुके हैं अपने एनसीईआरटी के कोर्स में। तो यहाँ पर उसको डिटेल में मैं अब आपको नहीं बताऊंगा कि अरेबियन सी ब्रांच से कहाँ पर बारिश होगी और जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उससे कहाँ पर बारिश होगी, वो अब आप लोगों को इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए। तो ये बात हो गई समर की। अब विंटर में सर्दियों के समय पर क्या होगा, कंडीशंस बिल्कुल उलट जाएंगी, यानी कि रिवर्स हो जाएंगी। सन जो है वो नीचे चला गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ओवरहेड होगा, तो सेंट्रल एशिया में क्या होगा उस समय, एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि अब जो सेंट्रल एशिया है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहां पर तो विंटर आ गए होंगे, है ना, तो सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होगा, और उससे वहाँ की जो लैंड है, देयर विल बी रैपिड कूलिंग ऑफ द लैंड। अब ठंडा है, रैपिड कूलिंग है, तो वहाँ पर क्या बन गया होगा, देयर विल बी अ प्रेशर, हाई प्रेशर जोन, एक हाई प्रेशर रीजन या हाई प्रेशर जोन बन गया होगा, जिसकी वजह से विंड्स अब यहाँ से आउट ब्लो करेंगी। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंड्स ऑस्ट्रेलिया से बाहर की तरफ को आ रही थी, अब वो विंड्स जो है कहाँ से आएंगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून बनकर वो इंडिया की तरफ से बाहर को जाएंगी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, ध्यान रखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और जैसे ही वो फिर से इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, उनके ऊपर फिर से कोरियोलिस का इफेक्ट लगेगा, और सर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको पता है कि कोरियोलिस जो है वो विंड्स को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, और उसके बाद विंड्स डिफ्लेक्ट होंगी और वो लो प्रेशर सेंटर जो ऑस्ट्रेलिया में बना है, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होगा, समर होगा, गर्मी के दिन होंगे, और लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो इसीलिए वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और ये जो विंड्स डिफ्लेक्ट होके जा रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ को अट्रैक्ट होंगी, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में फिर वो अराइव करेंगी, पहुँचेंगी एज द नॉर्थ वेस्ट मानसून, वो ध्यान रखना है नॉर्थ वेस्ट मानसून के रूप में वो यहाँ पर पहुँचेंगी, समझिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मतलब सेम फिनोमिना है बिल्कुल, बस थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देंगे, कि यहाँ से ये बाहर की तरफ को आई विंड, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, है ना, इक्वेटर से टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वैसे तो डायरेक्शन नॉर्मल ये है, लेकिन इक्वेटर से टकराएंगी तो लेफ्ट की डायरेक्शन में डेविएट करेंगी, तो ये ऐसे जाएंगी, है ना, अभी इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, और इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न एरिया में ये
यहां पर टकराएंगी, क्योंकि यहां पर क्या है, ठंडा है, सॉरी गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहां पर कैसा प्रेशर बना हुआ है, हेयर इट इज लो प्रेशर, और लो प्रेशर में जाएंगी तो यहां पर ये टकराएंगी और इससे बारिश करेंगी। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि विंड्स आ रही थी इस डायरेक्शन में, एंड दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट योर नॉर्थ ईस्ट, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर टकरा रही हैं आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो दिस डायरेक्शन विल बी योर नॉर्थ वेस्ट, है ना, यही चीज हो रही है। यहां पर नॉर्थ वेस्ट है और यहां से जो आ रही थी दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट। या मैं इसको ये कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट एंड यहां से जो होगा दिस विल बी योर नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब इसमें आप ये कलर के हेल्प से देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक कलर वाले हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाए हैं, दे आर एप्लीकेबल टू द फर्स्ट फिगर, है ना, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और जो मैंने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बनाए हैं, दे आर एप्लीकेबल टू योर सेकेंड फिगर, ये इस वाले सेकेंड फिगर से संबंधित है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है और ऑस्ट्रेलिया में वो कैसे नॉर्थ वेस्ट बन के जाता है, और ऑस्ट्रेलिया से जो निकलता है दैट इज इन द साउथ ईस्ट, वो इंडिया में कैसे आता है, इंडिया या इंडिया के पूरे सब कॉन्टिनेंट में एज द साउथ वेस्ट मानसून। अब इसमें आगे क्या दिया है, देखिए आगे दिया है कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में विच एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट अ सिमिलर सीजनल वेरिएशन ऑफ द विंड डायरेक्शन अकर, यानी कि और भी कुछ जगह अगर ऐसी है जहां पर ट्रॉपिकल मानसून देखने को मिलता है, हालांकि ट्रॉपिकल मानसून आपको ज्यादा जगह पर नहीं देखने को मिलेगा, इन्हीं जगह पर देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी ये बोला जा रहा है कि इस तरीके का सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है वो हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी हमने वही देखा, सीजनल रिवर्सल है, पहले एक डायरेक्शन में विंड जा रही थी, है ना, फिर उसके बाद जो है सन की पोजीशन चेंज होती है, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि विंड्स का जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिए, द सीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, अब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की जो सीजन है उसके बारे में बात करेंगे। इन रीजन्स लाइक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच हैव ट्रू ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यहां पर तीन डिस्टिंक्ट सीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कैसे सीजन होते हैं, तीन सीजन तो आपने भी देखे हैं। एक है कूल ड्राई सीजन, लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वी हैव द कूल ड्राई सीजन। अब यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम है, बॉम्बे में अगर हम बात करें तो लगभग 76 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, और पंजाब में तो और भी कम है, लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, विद हैवी सिंकिंग एयर। सिंकिंग एयर मतलब क्योंकि ठंडा है तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा, और हाई प्रेशर जोन में विंड जो है वो नीचे की तरफ को बैठती है। फ्रॉस्ट जो है वो हो सकती है, मे अकर एट नाइट इन द कोल्डर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की दिशा में या नॉर्थ में आपने जो भी स्टेट्स हैं, जो भी जगह है, वहां पर देखा होगा कि रात में फ्रॉस्ट वगैरह जो है वो भी जम जाती है। फ्रॉस्ट बेसिकली क्या है कि जब आप मतलब रात को आप घास के ऊपर देखें या पत्तों के ऊपर देखें तो उसमें कुछ पानी की बूंदें होंगी जो जमी रहती हैं, सुबह सुबह आप उनको देखेंगे तो आप उसको बोलते हैं कि पाला पड़ा है या ओस पड़ी है, उस तरीके की चीज़ें, दे आर फ्रॉस्ट। आगे देखिए, द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर इज ओवर द पंजाब, पंजाब के ऊपर जो है वो सेंटर रहता है किसका, हाई प्रेशर का। एन आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग लिटिल और नो रेन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस समय पर क्या हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ठंडा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडा है, और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो निकल रही हैं, है ना, और वो कैसी विंड्स हैं, क्योंकि वो लैंड से आ रही हैं तो दे आर योर ड्राई विंड्स, और ड्राई विंड्स अगर है तो वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कुछ भी बारिश नहीं करेगी, या फिर बहुत कम बारिश करेगी, और वो भी फिर एक पर्टिकुलर रीजन में ही करेगी, पूरे इंडिया में वो बारिश नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो ड्राई विंड है। अब कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो पंजाब में होता है, क्योंकि वो उसका उसका इफेक्ट जो है या उसका जो कॉज है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मानसून नहीं है, कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी वगैरह है वो उसके लिए है, और ये बेसिकली सर्वाइवल ऑफ विंटर सीरियल्स के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि विंटर के समय पर जो है आपके गेहूं वगैरह की फसल होती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इस तरीके की बारिश जो है वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मूव करता है ना, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब मूव करेगा तो वहाँ से ये मॉइस्चर उठाएगा, और ये इंडियन पेनिनसुला का जो साउथ ईस्टर्न टिप है वहाँ पर ये बारिश लेके आएगा इस समय पर, नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, और साउथ ईस्टर्न टिप पर आपको पता है कि मद्रास या जो चेन्नई है वहाँ पर इस समय बारिश होती है, कि अगर कोई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो अगर इस रीजन से हैं
है ना, चेन्नई रीजन से, या मैं कहूँगा कि जो साउथ का आंध्रा वाला रीजन है, अगर वहाँ से कोई लोग हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लगभग 50 inches ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर वो इस रीजन में, मद्रास का रीजन यानी कि चेन्नई का रीजन, और जो सदर्न या मैं कहूँ कि जो साउथ ईस्टर्न आंध्र वाला रीजन है, कोस्टल वाला रीजन है, वहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश होती है ना। अकाउंटिंग फॉर हाफ इट्स एनुअल रेनफॉल, यानी कि वहाँ की इन जगहों की जो एनुअल रेनफॉल है उसकी लगभग आधी बारिश, 50% बारिश जो है वो कब हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से अक्टूबर नवंबर के महीने में हो रही है। तो ये हो गया आपका कूल ड्राई सीजन। अब इसके बाद दूसरा सीजन है मार्च से लेकर मिड ऑफ जून तक, ये है हॉट ड्राई सीजन। अब इसमें क्या होगा, देखिए टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा शार्पली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्च में जब इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स मतलब जब सन इक्वेटर के ऊपर होता है, और उसके बाद से लेकर जो जून में सोलस्टिस होता है तब तक सन ऊपर की तरफ को यानी कि नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है ना, नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक वो मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस नीचे की तरफ को आने लगेगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि सन मूव कर रहा है या सन शिफ्ट कर रहा है, जनरली वो शिफ्टिंग जो है, क्योंकि अर्थ आपको पता है कि टिल्टेड है अपने एक्सेस पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 23.5 डिग्री पर वो टिल्टेड है ना। तो उस वजह से जब वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर और अर्थ के, सॉरी सन के अराउंड जब वो रिवॉल्यूट कर रही है, जब वो सन का चक्कर लगा रही है, तब ये फिनोमेनाज आते हैं। लेकिन इसको बोला एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में यही जाता है कि जब सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहा है या फिर सन जो है वो साउथवर्ड शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी एक जनरल एक परसेप्शन होता है, एक नज़रिया होता है देखने का कि हम अपने को चलता हुआ नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हम रुके हुए हैं और बाकी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, है ना। हमें लगता है कि सन जो है वो सुबह ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, शाम को वेस्ट की तरफ को चला जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि उतनी देर में जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, वो आधा चक्कर लगा चुकी है सुबह से लेकर शाम तक, है ना। जैसे सिमिलरली आप लोगों ने ये बचपन में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी व्हीकल में, गाड़ी में, ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो आपको क्या दिखता है कि पेड़ पीछे की तरफ को भाग रहे हैं, सब बिल्डिंग्स वगैरह जो बाहर की हैं वो सब पीछे की तरफ को भाग रही है ना। आपको ये लगता है कि वो पीछे की तरफ को भाग रही है, बल्कि आप ये रियलाइज नहीं करते कि आप आगे की तरफ को भाग रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके की बात है कि हम ये देखते हैं या हमें ये परसीव करते हैं कि हम जो है वो रुके हुए हैं और बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही बोला जाता है कि सन मूव कर रहा है या सन शिफ्ट कर रहा है, हम बल्कि ये नहीं देखते या ये नहीं समझते कि सन मूव कहीं नहीं कर रहा है एज सच, जो अर्थ है वो अपनी रोटेशन भी कर रही है, मतलब अपने एक्सेस पे भी घूम रही है, रोटेट कर रही है, और सन के चारों तरफ भी वो रिवॉल्यूशन या चक्कर लगा रही है। तो उसकी वजह से ये सारे के सारे फिनोमिना आते हैं। लेकिन अब आप लोगों को इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो आई थिंक नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग मैच्योर हैं, आप लोगों को इन चीज़ों की पूरी नॉलेज है ना। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज है, अगर नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़िए, जो पहले हमने कोर्सेज बनाए हैं उनमें आप जाइए, एनसीईआरटी वगैरह देखिए, और वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो थोड़ा बहुत अब गर्मी इंडिया में बढ़नी शुरू होगी। बॉम्बे का जो मई का महीना है, बॉम्बे में जो मई का महीना है उसका मीन टेम्परेचर हो जाता है लगभग 86 यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम मॉडरेट मानते हैं। फॉर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर इवन हॉटर, इसको मॉडरेट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि और पार्ट जो है इंडिया में वो और भी ज़्यादा गर्म है ना। अब हीट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। बचपन में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाती है। द स्टिफलिंग हीट एंड द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेक आउटडोर लाइफ ऑलमोस्ट अनबियरेबल। स्टिफलिंग हीट मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सफोकेटिंग है ना, वो हीट है, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह तो इस समय है नहीं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से बाहर जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा। दिन में लू वगैरह चलती है, जिसको हम बोलते हैं ना, लोकल विंड्स हैं, लोकल हॉट विंड्स, दैट इज़ लू, तो लू चलती है तो बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो दिन का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजुअल है, और कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जैसे सिंध वगैरह का जो रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। हालांकि कुछ जो हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ पर थोड़ा बहुत राहत है, थोड़ा बहुत रिलीव है, क्योंकि वहाँ पर सी ब्रीज वगैरह चलती रहती हैं उसकी वजह से, अदरवाइज बाकी जगह पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो रेन एनीवेयर, और इस समय पर कहीं पर भी आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल मई या जून की शुरुआत में बारिश कहीं पर भी नहीं होगी। अब मई के बाद जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक इंटेंस लो प्रेशर जोन जो है वो बनना शुरू होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि उस समय पर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब धूल भरी आंधियाँ वगैरह चलती हैं, एंड फॉलोड बाय लॉन्ग अवेटेड रेन स्टॉर्म, और थोड़ा बहुत रेन स्टॉर्म यानी कि उसके साथ थोड़ा बहुत बारिश वगैरह भी हो जाएगी। तो ये जनरली होता है डेट ब्रेक बाय द मिडिल ऑफ द जून, लगभग जून के मध्य में यानी कि 10-15 जून के आसपास। अब इसके बाद जो ट्रांजिशनल पीरियड था बिटवीन नो रेन एंड प्लेंटी ऑफ रेन इज ओवर, है ना, नो रेन मतलब जो आपका शुरुआती समय है जिसमें बिल्कुल बारिश नहीं है, और प्लेंटी ऑफ रेन मतलब जब आपका मॉनसून सीजन या रेनी सीजन स्टार्ट होगा तब, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड था वो अब खत्म हो चुका है, और अब यहाँ पर मई के बाद या जून के शुरुआती समय में अब यहाँ पर बारिश जो है वो होने लगेगी। इसके बाद जो तीसरा सीजन आता है दैट इज मध्य जून, मिड जून से लेकर सितंबर तक, इसमें क्या होगा देखिए, विद द बर्स्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, बर्स्ट मतलब कि साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही आ रहा है दैट इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, मिड जून में आएगा लगभग, तो टोरेंशियल डाउनपोर जो है दे स्वीप अक्रॉस द कंट्री टू द डिलाइट ऑफ एवरीबडी। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता हूँ कि मिड जून लिखा है लेकिन क्या पूरे के पूरे इंडिया में बारिश एक साथ होगी, ऐसा नहीं है, है ना। सबसे पहले जो मानसून है वो लगभग आप कह सकते हैं कि केरला में सबसे पहले आता है, और उसके बाद धीमे धीमे वो प्रोग्रेसिवली मूव करता रहता है, ये चीज़ें तो आपको पता है ना। उसके बाद लगभग मिड जून तक जो है पूरे के पूरे इंडिया में बारिश होनी शुरू हो जाती है, टॉरेंशियल डाउनपोर यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, ऑलमोस्ट ऑल द रेन फॉर द एयर फॉल्स विद इन दिस रेनी सीजन, और लगभग साल की जितनी भी बारिश है टोटल जितनी साल में बारिश होनी है वो लगभग इन्हीं महीनों में हो जाती है, क्योंकि बाकी समय तो हमने देखा कि सर्दियों में भी क्या है, कूल है, ड्राई सीजन है। उसके बाद जो हमारा हॉट ड्राई सीजन है मार्च से लेकर लगभग जून तक, उस समय भी कोई बारिश नहीं हो रही है, तो सीजन अब सिर्फ यही बचता है ना, जून से लेकर लगभग सितंबर तक जिस समय बारिश होनी है। अब इसमें कुछ डेटा दिया है कि बॉम्बे में जून के महीने में 19.9 डिग्री बारिश हुई है, 19.9 इंचेस बारिश हुई है, जुलाई में लगभग 24 इंच के आसपास हुई है, अगस्त में लगभग 14.5 इंच हुई है, और सितंबर में लगभग 10.6 इंच बारिश जो है वो हुई है। तो यानी कि जितनी भी एनुअल रेनफॉल है यानी कि साल भर में जितनी भी बारिश होती है उसकी लगभग 95% 95% बारिश जो है वो इन 4 महीनों में ही हो गई है, और यही जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन 4 महीनों में दैट इज़ योर जून, जो मतलब जून का लगभग मिड, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है, और बाकी जो महीने हैं उनमें देखिए बहुत ही कम बारिश है, थोड़ा बहुत रेन जो है लगभग 5% के आसपास और महीनों में हो रही है, और इस महीने में इन 4 महीनों में जो है वो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एनुअल रेनफॉल यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि शुरुआत में यानी कि जहाँ पर ये मानसून स्टार्ट हुआ था उससे पहले, सबसे पहले लगभग जून के पास जो टेम्परेचर है वो भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, लो प्रेशर का जोन बनेगा, और उसके बाद बारिश स्टार्ट होगी, और उसके बाद धीमे धीमे फिर ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद आगे देखिए, ये जो कंसेंट्रेटेड रेनफॉल हो रहा है समर के समय पे, जो कंसेंट्रेटेड रेनफॉल हो रहा है ये एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि जो इन 3-4 महीनों में ही सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, या आप कहिए कि साल भर की लगभग 90-95% बारिश इन महीनों में हो जाती है, तो ये एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। जो टोरेंशियल डाउनपोर हो रहा है दे हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द लोकल टेम्परेचर, है ना, लोकल टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस पर ये जो इतनी सारी बारिश होती है उसका असर देखने को मिलता है, एकदम देखने को मिलता है तुरंत, और बारिश से क्या है कि टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। बॉम्बे में जो मीन टेम्परेचर है वो लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा मई में, मतलब मई में तो इतना था लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, वो जब बारिश होगी जुलाई में तो 81 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाएगा। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ड्रॉप जो है वो और भी ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो लगभग 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है, मतलब ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि 13 डिग्री तक हम पहुंच गए हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि पहले आप कहिए कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो
तो अब वो कम होके लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाएगा। ये ड्रॉप की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ 13 डिग्री फ़ारेनहाइट का ड्रॉप है। सम ऑफ द विंडवर्ड स्टेशन ऑन द हिमालयन फुटहिल्स हैव वेरी हैवी रेनफॉल, दो दिस इज पार्टली ओरोग्राफिक। जो विंडवर्ड स्टेशन है हिमालयन फुटहिल्स के, विंडवर्ड मतलब मैं आपको पहले ही बताया है कि यहाँ से अगर बारिश हो रही है तो ये वाली साइड विंडवर्ड होगी, है ना, दिस विल बी विंडवर्ड, और ये वाली होती है लीवर्ड। तो यानी कि विंडवर्ड जो स्टेशन है फुटहिल हिमालयन फुटहिल्स के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, हालांकि कुछ उसमें से ओरोग्राफिक भी होती है। ओरोग्राफिक मतलब वही है कि यहाँ से ऊपर उठेगी और बारिश होगी, दैट इज थिंग। अब ये जो चेरापूंजी हैज़ एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 425 इंचेस, 425 इंच की लगभग एवरेज एनुअल रेनफॉल है कहाँ पर, चेरापूंजी में। और यहाँ पर 1861 यानी कि 1861 में देखा गया था कि रिकॉर्ड 905 यानी कि 905 इंच तक बारिश हुई थी, कहाँ पर, चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी कहाँ पर है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कौन से स्टेट का ये पार्ट है, चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, ये तो बात हो गई हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून था उसकी, अब हम बात करेंगे रिट्रीटिंग मानसून की। अब ये रिट्रीटिंग मानसून क्या है, देखिए जो अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेन है वो रेनी सीजन जैसे जैसे ख़त्म होगा, यानी कि जब हम सितंबर के आसपास आएंगे रेनी सीजन ख़त्म होगा तो बारिश जो है वो अब कम होने लगेगी, मतलब अमाउंट में भी कम होने लगेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे बरसात के दिनों में तो क्या होता है कि रोज़ लगभग बारिश होती है, अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, रेनी सीजन का एंड आ रहा है, तो बरसात की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन बारिश हो जाए, है ना। और उसकी जो अमाउंट है, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, दिन भर होती थी, अब हो सकता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हो और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही हो, तो अमाउंट भी कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। अब ये धीमे धीमे क्या हो रही है, रिट्रीट कर रही है ग्रेजुअली साउथवर्ड्स आफ्टर मिड सेप्टेम्बर अनटिल इट लीव्स द कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर। और ये चीज़ जो है धीमे धीमे होगी मिड सेप्टेम्बर तक, क्योंकि सेप्टेम्बर के पास फिर से क्या होता है, इक्विनॉक्स आता है, और वहाँ पर उस समय तक, जिस समय सेप्टेम्बर के आसपास इक्विनॉक्स आएगा 22-23 सितंबर के आसपास तक, है ना, तो उस समय सन कहाँ पर पहुँच चुका होगा, इक्वेटर में, यानी कि वो इंडिया को क्रॉस कर गया होगा, है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से पास करता है, तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से धीमे धीमे सन नीचे की तरफ को जाएगा और 22-23 सितंबर तक वो इक्वेटर के पास होगा, है ना, इक्वेटर के पास होगा, यानी कि वो इंडिया को क्रॉस कर चुका होगा। इंडिया को लगभग वो आप कह सकते हैं कि 12-15 तारीख के आसपास क्रॉस करता है, 10 से 15 तारीख के बीच में। तो अब उससे क्या होगा कि जो पंजाब प्लेन्स हैं विच रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून अर्लीएस्ट, ये अर्लीएस्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए लेटेस्ट, क्योंकि पंजाब प्लेन में सबसे देर में बारिश पहुंचती है साउथ वेस्ट मानसून से, है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया केरला में बारिश होगी और पंजाब में सबसे देर में बारिश होगी, तो अर्लीएस्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट ये होना चाहिए, सबसे देर में बारिश पहुंचती है। आर द फर्स्ट टू सी द विड्रॉवल ऑफ द मानसून, अब वही बात है कि सबसे देर में जो आ रहा है वहीं से सबसे पहले बारिश जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि विड्रॉवल ऑफ मानसून जो है वो सबसे पहले वहीं पर होगा। स्काइज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे और ड्राई सीजन रिटर्न्स इन अक्टूबर विद द आउटब्लोइंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी का जब चैप्टर कवर किया था, जो चैप्टर नंबर 4 है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का बुक का, दैट इज ऑन क्लाइमेट, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ ये है कि उन्होंने जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये और जो रिट्रीटिंग मानसून है उसको एक ही माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिट्रीटिंग मानसून इज, दिस इज द बेसिकली रिट्रीट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून आया था, है ना, जून के महीने में जो आया था, जब वो बाहर की तरफ को निकल रहा है, दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून। और इसके बाद जब विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर के महीने में, तो उस समय जो मानसून बनेगा, दैट इज योर विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो अलग है, है ना। तो उस बुक में थोड़ा सा मैंने बताया भी है कि रिट्रीटिंग मानसून इज समथिंग डिफरेंट एंड योर विंटर मानसून और द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज समथिंग डिफरेंट। रिट्रीटिंग का मतलब होता है, ट्रीट करने का मतलब क्या है कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप उसको ट्रीट करते हैं, है ना। रिट्रीट का मतलब यह है कि जब वो जा रहा है, दैट इज नोन एज रिट्रीटिंग, है ना, वो होती है रिट्रीटिंग। तो जिस समय साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था वो उसकी ट्रीट हो गया, और जब वो बाहर की तरफ को जा रहा है वापस,
सितंबर जब 10-12 तारीख हो रही है उसके आसपास, तो दैट इज योर रिट्रीटिंग मानसून। उसके बाद जब पूरा का पूरा रिट्रीट हो जाएगा मानसून का, जब इंडिया में लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास सर्दियां शुरू होंगी, तब जो है लैंड ठंडी होनी शुरू होगी कंपेरेटिवली टू द जो सराउंडिंग आपका इंडियन ओशन का पानी है, तब यहां से हाई प्रेशर के फॉर्म में जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि विंटर मानसून स्टार्ट होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है कि रोल ऑफ द मानसून इन इंडिया इज वाइटल इन इट्स इकोनॉमी। इंडिया में जो मानसून की भूमिका है, जो मानसून का रोल है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल है या महत्वपूर्ण है। अ लेट मानसून और वन दैट एंड्स फार टू अर्ली विल कंडेम लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू ड्राउट। क्योंकि यह बात तो हमने बहुत बार करी है कि इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चरल यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली आपके किस पे ऊपर निर्भर है, वो मोस्टली आपके निर्भर है, डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा और नहीं है। और मानसून अगर मान लीजिए कभी देर में आता है ना, लेट अगर आता है या फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश कम होती है ना, उसको लेकर भी हम लोगों ने फिनोमिनास पढ़े हैं, जैसे कि एल नीनो वगैरह जब होता है तो उस समय इंडिया में कम बारिश होती है तो सूखा पड़ता है ना, और सूखा अगर पड़ेगा तो फिर उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वाइड स्प्रेड फेमाइन, फेमाइन मतलब जो भुखमरी है वो हो जाएगी, क्रॉप फेलियर हो जाएगा क्योंकि है ना, और थाउजेंड्स जो लोग जो है वो पैरिश कर जाएंगे, पैरिश मतलब वो मर जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, भुखमरी हो जाएगी तो फिर वो मर जाएंगे। और वेन देयर इज टू मच वाटर फ्रॉम द रेनी मानसून, अब इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, हमने एक इफेक्ट और पढ़ा है एल नीनो के साथ, दैट इज ला नीना, है ना, जब ला नीना होता है तो उस समय क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सीवियर फ्लड्स आ जाते हैं। आज की डेट में भी आप लोग देखते हैं कि काफ़ी जगहों पर बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है ना, तो सीवियर फ्लड्स हो जाते हैं। अब फ्लड्स भी जो है वो अच्छी नहीं है, उससे क्या होगा कि क्रॉप्स जो है, खेती जो है, फसल है, उसको भी नुकसान हो रहा है, ज़िंदगी को भी नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों में, गांवों में पानी भर जा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और आए दिन न्यूज़ में ऐसी खबर देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है ये डैम टूट गया, यहाँ पर जो है ये ब्रिज जो होता है, पुलिया होती है, वो टूट गई, तो उससे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो उससे जो उनका कम्युनिकेशन है ना, वो भी क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द क्लाइमेट अफेक्टेड मेन्स वे ऑफ लाइफ सो प्रोफाउंडली एज इन द मानसून लैंड्स। यानी कि दुनिया में अगर हम कहीं पर भी बात करें तो क्लाइमेट ने मानव जिंदगी को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है जितना कि मानसून लैंड्स में किया है। तो मानसून लैंड में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, मतलब वही है कि अगर मानसून कम होता है तो सूखा पड़ जाएगा, उसके अपने नुकसान है, और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उससे बाढ़ आ जाएगी, उसके भी अपने नुकसान है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई पूरे के पूरे जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट था उसकी, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं अबाउट द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। अब इसमें क्या है, देखिए, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड्स। जो ट्रॉपिकल लैंड्स हैं उनके ईस्टर्न कोस्ट में ऐसा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि रेनफॉल जो है वो किससे मिल रही है आपको, अब ट्रेड विंड से, और हर समय मिल रही है, ट्रेड विंड से हर समय मिल रही है, क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होगा तो वो कैसी है, दे आर योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और साउथ के डायरेक्शन से अगर है तो दे आर योर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो ईस्टर्न कोस्ट में ही बारिश होनी है ट्रेड विंड्स की वजह से। रेनफॉल जो है वो ओरोग्राफिक भी होती है, जहाँ पर मॉइस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो अपलैंड मासेस पर मीट करती है, अपलैंड मासेस मतलब वही कोई ऊंची जगह है, पहाड़ी वाला इलाका है, तो वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होगी, जैसे कि कहाँ पर, ईस्टर्न ब्राज़ील वाले एरिया में। और कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड इन समर, और गर्मियों के दिनों में और दिन के समय पर जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ पर फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होगी। इट्स टेंडेंसी इज टूवर्ड्स अ समर मैक्सिमम एज इन मानसून लैंड्स बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड। यानी कि इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर हम इसको जो है समर से मानसून सीजन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी वही है कि समर के सीजन में ही बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है, लेकिन अंतर क्या है ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में, कि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं है। जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया कि जून से लेकर सितंबर तक लगभग 90-95% बारिश हो रही है, और बाकी जो लगभग 7-8 महीने हैं उनमें सिर्फ 5% बारिश हो रही है, इन जनरल ऐसा होता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में। लेकिन ट्रॉपिकल मरीन में क्या है कि थोड़ा थोड़ा बारिश जो है वो लगभग हर महीने हो रही है,
हाँ, गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो जाती है कंपेयर टू अदर मंथ्स, लेकिन बारिश जो है वो हर समय पर हो रही है। अब यहाँ पर एक फिगर दिया है, वो आपको रिदम ऑफ क्लाइमेट बताएगा। एक्सपीरियंस इन द केन्स, केन्स मतलब जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड इज ऑस्ट्रेलिया, अंडर द कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड इन समर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल मानसून। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है, ये बारिश आपको दिख रही है, इस समय पर सबसे ज़्यादा बारिश है, लेकिन बाकी महीनों में भी देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश तो हर समय हो रही है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब इस पे जो वेटेस्ट मंथ्स है, यानी कि जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो जनवरी है, देन वी हैव फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो कि क्या है वहाँ का समर सीज़न है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर का वो समर सीज़न है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश उस समय हो रही है। लगभग 70% बारिश जो है वो इसी 4 महीनों में हो जाएगी, लेकिन जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के कंपैरिजन में, वो ये है कि देर इज नो मंथ विदाउट एनी रेनफॉल, कोई भी महीना ऐसा नहीं है जब बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये फिगर में आप देख सकते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था बॉम्बे वाला, उसमें देखिए इन एरियाज में या इन मंथ्स में बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम बारिश है या ना के बराबर बारिश है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए इन महीनों में भी जो है वो बारिश हो रही है। तो यही इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट का। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज टिपिकल ऑफ द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 82 डिग्री फ़ारेनहाइट इन जनवरी एंड अ मिनिमम ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इन जुलाई। इसमें 12 डिग्री की रेंज लगभग रहती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि कोस्टल रीजन है, पहली बात तो यह है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के जो ईस्टर्न कोस्ट तरफ है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद स्टेडी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है हमें ट्रेड विंड्स का, तो जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है वो फेवरेबल है ज़्यादा हैबिटेशन के लिए, मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में जो है वो हैबिटेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन वहाँ पर एक समस्या और है, ट्रॉपिकल मानसून वगैरह काफ़ी आता है ना, हरिकेन, टाइफून, ये सारे के सारे आते हैं, विच आर मेंशनड इन चैप्टर 13। ये चैप्टर 13 नहीं है, आई डोंट नो वाई ये चैप्टर 13 लिखा है, चैप्टर 14 में हमने ये बातें की थी, दैट इज कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो इस लेक्चर को जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में इसका जो आगे का पार्ट है कि कैसा यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलती है, वेजिटेशन कैसी है, लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो किस तरीके की है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो एड फ्री तौर पर मिल जाएंगे। फुल कोर्स में एनरोल करने में या फुल कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी हम तक पहुंच सकते हैं, और अपनी जो भी बात, जो भी फीडबैक, सजेशंस आप देना चाहें आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।